कनाडा में कौन सी कॉलेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अच्छी है? मेरी प्रेफरेंस है कि यूनिवर्सिटी आप पहले ट्राई करो, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर की फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से फैक्टर ध्यान में रख के कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए? मतलब किसी को इजी स्टडी करनी है, मतलब इतनी टफ स्केड्यूल नहीं चाहिए काम करना यहाँ पे आके। स्टूडेंट आए हैं वो 6-7 मंथ से पार्ट टाइम जॉब ही नहीं है उनके पास, तो आपको वो फैक्टर भी देखना चाहिए। मुश्किल भी चल रही है ना कनाडा में, जैसे काम तो करना पड़ता है साथ में फीस निकालने के लिए, माइंड में स्केड्यूल सबसे मेन है। वैसे भी कनाडा में काम कम है, नाइट का मिलता नहीं, फिर उसके वैसे ही वो बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाता, काम नहीं है, फिर जैसी पार्ट टाइम जॉब ज्यादातर वीकडेज में मिलती है। तो और ऑन्टेरियो के बाहर की कोई कॉलेज जो आपके कोई फ्रेंड्स हो उसके बारे में? तो हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है कि कनाडा में कॉलेज कैसे सिलेक्ट की जाए। हम जाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमें मिलेगा उनसे पूछेंगे कनाडा में अच्छी सी कॉलेज कौन कौन सी है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं स्टूडेंट्स से, लेट्स गो। सो हाय, वी हैव सम फ्रेंड्स ओवर हियर, सो वी आस्क देम कनाडा में कौन सी कॉलेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अच्छी है स्टूडेंट के लिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेंट क्लेयर या सेंट लॉरेंस अल्फा कॉलेज ठीक है, ये तीन कॉलेज अच्छी है। मतलब किसी को इजी स्टडीज करनी है, मतलब इतनी टफ स्केड्यूल नहीं चाहिए काम करना यहाँ पे आके, तो अल्फा या सेंट क्लेयर कोई भी ले ले, इजी स्केड्यूल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और कुछ भी इतना पास भी कर देते हैं, तो जॉब के लिए भी अच्छा रहता है। जॉब के लिए भी डिग्री तो सेम ही है, और अगर किसको मतलब अपना फ्यूचर में कुछ सोचना है कि मैंने बड़ी डिग्री लेनी है, बड़ा कुछ लगना है, तो हम्बर सही है, नॉर्थ कैंपस शेरिटन कॉलेज भी जहाँ पे मिसाका में है, जो भी अच्छा है। अगर मतलब जिसने फ्यूचर प्लान करके आना है उसके लिए जे दो सही है, जिसने ऐसे ही मतलब पास होना है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कॉलेज? अगर तो इजी वाला चाहिए तो कोर्स पे भी डिपेंड होता है, तो इजी कोर्स लेके लाइक टूरिज्म कोर्स लेके किसी भी अल्फा कॉलेज में आ सकता है, सेंट क्लेयर में आ सकता है। अगर तो फ्यूचर के बारे में फिर तो शेरटन कॉलेज, हम्बर कॉलेज ये ही अच्छे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे आने से पहले तो वो कैसे कॉलेज सिलेक्ट करे, क्या प्लानिंग करके कॉलेज सिलेक्ट करे, मतलब माइंड में क्या रखे आने से पहले की? माइंड में भाई जैसे इधर काम तो करना पड़ता है साथ में फीस निकालने के लिए, माइंड में स्केड्यूल सबसे मेन है, मतलब वीकडेज में स्केड्यूल ना हो कॉलेज का, जैसे कई कॉलेज हैं 5-5 दिन लगते हैं, 3-3 दिन लगते हैं, कॉलेज वो चूज करे जो जहाँ वीकेंड्स पे लगे, जैसे जो मोहाक कॉलेज है यहाँ पे, ये भी वीकेंड्स पे लगता है, स्केड्यूल मेन है। ओके, सो आप पार्ट टाइम जॉब इजीली फाइंड भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से कॉलेज ज्वाइन करें। पार्ट टाइम जॉब ज्यादातर वीकडेज में मिलती है, तो वीकेंड पे तो बहुत अवेलेबिलिटी होती है, वीकडेज में इजीली मिल जाती है, तो इसलिए मुझे लगता है स्केड्यूल सबसे मेन है यहाँ पे। यहाँ पे कनाडा में आपके हिसाब से सबसे अच्छी कॉलेज कौन सी है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो भाई, अगर यहाँ पे पढ़न नहीं आ रहा, मतलब पैसे ही कमाने आ रहा है, तो भी कैम्ब्रियन कॉलेज सबसे अच्छी है, क्योंकि 2 दिन क्लास होती है मोस्टली, ठीक है, हम आसानी से पास हो जाते हैं और ऊपर से हम काम भी कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसे ऐसे कॉलेज ले लिया, कोई यूनिवर्सिटी ले ली बड़ी, 5-4 दिन क्लास होंगी, ठीक है, काम मिलेगा, वैसे भी कनाडा में काम कम है, नाइट का मिलता नहीं, तो फिर उसके वैसे ही वो बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाता, काम नहीं है, फिर जैसी कितनी 670 जैसी आती है तो उसमें काम नहीं चलता, फिर वो घर वालों से मंगाता है। इससे बढ़िया है कि पहले से कॉलेज सिलेक्ट कर लो जो उनसे मतलब इजी हो, जिसमें क्लास कम लगे। कैम्ब्रियन कॉलेज कहाँ पे? ये इधर ही मिसिसागा में। मिसिसागा में कैम्ब्रियन, हाँ जी। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज अच्छी है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे क्लास 2 दिन लगती है और पास आसानी से हो जाता है। और स्टूडेंट को यहाँ आने से पहले कौन सी कॉलेज, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करनी चाहिए कॉलेज? बस यही कि उसको पढ़ना है या फिर पैसे कमाने हैं, वो दोनों चीज को ध्यान में रख के कॉलेज चूज करनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली 95% तो पैसे कमाने हैं, 5% आते हैं बीच पढ़ने। हाय, सो वी हैव अनदर फ्रेंड, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कनाडा में अच्छी सी कॉलेज कौन सी है स्टूडेंट्स के लिए, आप 1-2 नाम बताना चाहोगे? Yes, of course, there are several colleges in Canada. If I talk about the most popular colleges in Canada, first one is Sheridan, Humber and Conestoga also. But best thing about the Sheridan College is Sheridan provides a lots of theoretical and practical knowledge. So that's why I like to gain study from the Sheridan College. आप 1-2 कॉलेज का नाम बताना चाहोगे? Best one is first of all is Sheridan and another is Conestoga and Centennial also. And Seneca is also better. कॉलेज में मेरी प्रेफरेंस है कि यूनिवर्सिटी आप पहले ट्राई करो, बिकॉज यूनिवर्सिटी में से आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो वो अच्छा रहेगा। सो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है, टोरंटो में यूनिवर्सिटी है, और कॉलेज के बारे में बोल रहे तो शेरिडन, हम्बर, वो बेस्ट है।
ये तो हो गए कॉलेज की बात। अभी हम पूछेंगे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से फैक्टर ध्यान में रख के कॉलेज सिलेक्ट करनी चाहिए, कि जैसे कि स्केड्यूल हो गया, जॉब मिल सके, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है। फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप जो भी प्रोग्राम चूज करते हो वो आपके फील्ड के रिगार्डिंग होना चाहिए। और दूसरी बात हम बताएंगे तो उसके हिसाब से स्केड्यूल अपने आप सेट करो कि जिससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि आप स्टडी और जॉब दोनों मेंटेन कर सको। दूसरी चीज वो है कि स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो और उसके बाद ही आप जॉब के बारे में सोचो तो बेहतर। और आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर देखना चाहिए स्टूडेंट को कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले? मोस्ट ऑफ तो एक यही है, पहले तो स्टडी और फिर उसके बाद स्केड्यूल देखना है। बट मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर फिर उनका प्रोग्राम चेंज कर देते हैं क्योंकि उनको जॉब जल्दी मिल सके, जो जल्दी अर्न कर सके। बट लास्ट में उनको तकलीफ वही रहती है कि फिर अगर वो एक टाइम शिफ्ट करेंगे लगे जाएंगे कोई भी फैक्ट्री में तो फिर लॉन्ग टाइम वो उसमें ही रहेगी। अगर कोई प्रॉपर तुम फील्ड लेकर आते हो और वही कंप्लीट करते हो तुम्हारी जो पसंद की, तो वो आगे तुमको बेनिफिशियल रहेगा। मेन वही पॉइंट है। बाकी मोस्ट ऑफ जो अगर तुम्हारी पसंद की जो फील्ड है वही तुम कंटिन्यू आगे करोगे तो आगे तुम्हारे चांसेस है ग्रो होने के। स्टडी के बारे में तो मेरे भाइयों ने बोला ही, पर उसके साथ एक दूसरा पॉइंट वो भी कंसिडर करना चाहिए कि पार्ट टाइम जॉब कहाँ मिल रही है। लाइक अभी ब्रैम्पटन में पार्ट टाइम जॉब का बहुत इश्यू है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट आए हैं वो 6-7 मंथ से पार्ट टाइम जॉब ही नहीं है उनके पास, तो आपको वो फैक्टर भी देखना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल सेकंड ईयर की फी अपने आप पे करनी है, इसलिए GIC में से पूरा नहीं कर सकते। तो जॉब एक पार्ट टाइम जॉब भी एक मेजर फैक्टर, वो भी एक मेजर फैक्टर है। सो इसके अकॉर्डिंग भी आपको सिटी चूज करनी चाहिए। अभी बेस्ट रहेगा ओंटारियो के बाहर ही, तुम अगर कोई दूसरा प्रोविंस देखो तो बेस्ट रहेगा। अभी के लिए रिसेशन है वहां तक ओंटारियो के बाहर बेस्ट रहेगा। तो और ऑन्टेरियो के बाहर की कोई कॉलेज आपके कोई फ्रेंड्स हो उसके बारे में बताना चाहोगे वो कॉलेज कौन सी हो सकती है? यस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा एंड इफ आई टॉक अबाउट द अल्बर्टा एंड क्यूबेक, कैलगरी में सेट है वो भी बेस्ट है, अल्बर्टा में कैलगरी, और सास्केच्वान में पॉलिटेक्निक ऑफ सास्केच्वान है वो, वहाँ पार्ट टाइम का जॉब का भी अच्छा है और रिसेशन भी यहाँ से कम है, ऑल्सो टैक्स भी वहाँ कम है, इसलिए सेविंग ज्यादा हो सकती है। हाई, सो वी हैव अनदर फ्रेंड्स, लेट देम आस्क। सो हमारा ये क्वेश्चन था कि कनाडा में आपके हिसाब से अच्छी कॉलेज कौन कौन सी है जहाँ पे स्टूडेंटों को एडमिशन लेना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी लैम्पटन कॉलेज, शेरटन कॉलेज, दीज आर मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेजेस इन ब्रैम्पटन एरिया। मोर ओवर दीज कॉलेजेस दे प्रोवाइड प्रोग्राम विच आर कोर प्रोग्राम्स, मोर ओवर दे प्रोवाइड ऑफिशियल ड्रॉप सो वी कैन मैनेज आर फीस, and these and the college staff is quite cooperative. Moreover, the students must select the courses based on their previous studies and which are relevant to their upcoming studies so that they can get a good job here. aur aapke hisab se kaun si college select karni chahiye student? mere hisab se to pehle fees wagera check karke aaye, jaise kuch college co-op provide karte hain, iska Lambton college hai Mississauga mein, to aapko fourth semester ki fees pay karne ki zarurat nahi hai, to wo ek benefit ho jata hai। और दूसरा अवेलेबिलिटी जरूर चेक करें कि हमें वहाँ से कौन सी अवेलेबिलिटी है, कि अपनी क्लासेस ज़्यादातर इवनिंग रखें क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट का काम ज़्यादा है। ओके, तो जॉब दिन में ज़्यादा मिलती है तो इवनिंग वाली सिलेक्ट करें। तो ऐसी कौन सी कॉलेज आप एक दो बताना चाहेंगे, मतलब ऑन्टेरियो में, यहाँ से कहीं पर बाहर कैनेडा, पूरे कैनेडा में कौन कौन सी कॉलेज हो सकती है? मेरे हिसाब से तो एक जो कैनाडोर कॉलेज है वो बेस्ट है, वहाँ पे पढ़ाई भी थोड़ी इजी है, स्टडी कैनाडोर कॉलेज, कैनाडोर कॉलेज, ओके, उसमें स्टडी थोड़ी इजी है, अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है वहाँ पे। सो इसके अलावा आपके पास कुछ कोई और एस्पेक्ट है जो देख के स्टूडेंट को यहाँ पे आना चाहिए? सर मोर ओवर दे मस्ट मूव कम टू द एरियाज वेयर द वर्क फोर्स इज मोर बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क इज क्वाइट लेस इन ब्रैम्पटन एरिया। Moreover, they must choose the colleges which provide good studies. Moreover, like the Niagara, suppose we talk about Niagara College, it has 3 campuses, Welland, Lake and Toronto. So the Welland and Lake campus is quite far from Brampton, where the work is quite less. So they must choose the Toronto campus. So different colleges have different campuses. So they must choose which campus is best for them. So फ्रेंड्स के हिसाब से हमें कॉलेज ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जहाँ जॉब की अवेलेबिलिटी भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जा सके। क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए कॉलेज लेने से पहले? पहले तो वो देखें इसका शेड्यूल कैसा है कॉलेज, शेड्यूल, या उसके बाद देखें भी काम कहाँ पे है, किस सिटी में ज़्यादा काम है, उन बच्चों के लिए काम भी जरूरी है ना, पढ़ाई भी जरूरी है, इसी ध्यान रखना चाहिए।
स्केड्यूल स्केड्यूल को ध्यान में रखते हुए कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जॉब भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्ट टाइम जॉब नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से होगी। सो पूरा जीआईसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अब मुश्किल भी चल रही है ना कनाडा में, जैसे सेशन के अगेंस्ट, तो बच्चे को हिसाब से ले कॉलेज की वो ध्यान रखे कि काम भी है इस सिटी में जहाँ वो कॉलेज ले रहा है। और एजुकेशन के बारे में क्या बोलना चाहिए, और एजुकेशन से हिसाब से क्या देखना चाहिए कि मतलब कॉलेज में क्या उनको मतलब लाइब्रेरी प्रोवाइड होनी चाहिए, या अच्छे से बुक्स, या तो रीडिंग मटेरियल, या तो इजीली पास हो जाने चाहिए, क्या फैक्टर चाहिए? इतनी बड़ी कंट्री है, सब कुछ तो होगा। बस मेरे हिसाब से तो नहीं, उनको जरूरी है लाइब्रेरी भी, जरूरी है लैपटॉप्स भी देते हैं कहीं कॉलेज तो है ऐसे अपने। तो ये था स्टूडेंट का फीडबैक, थैंक यू। तो हमें सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब करें और आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट में करें, तो हमें भी पता चले अगले वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है और कौन सा टॉपिक आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।